दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर। मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, इसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 19 अगस्त 2017 का भारत आसियान युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 19 अगस्त 2017 का भारत आसियान युवा सम्मेलन ये भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2017 में आरंभ नाविका सागर परिक्रमा के अंतर्गत नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम ने विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा किस भारत निर्मित जलयान से की? तो सितंबर 2017 में आरंभ नाविका सागर परिक्रमा के अंतर्गत नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम ने विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा INSV तारिणी से जलयान की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अगस्त 2017 को किस एशियाई देश में इंटरनेट संबंधी मामलों को समझाने के लिए पहला साइबर न्यायालय आरंभ किया? 18 अगस्त 2017 को चीन देश ने इंटरनेट संबंधी मामलों को समझाने के लिए साइबर न्यायालय आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अगस्त 2017 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान से उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए $500 अरब का ऋण मिलने की घोषणा की? तो 18 अगस्त 2017 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्त संस्थान से उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए $500 अरब का ऋण ही मिलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अगस्त 2017 को दुबई में जारी नवीनतम ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है? तो 18 अगस्त 2017 को दुबई में जारी नवीनतम ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विराट कोहली सर्वोच्च स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ वेल्स स्विट्जरलैंड में हुई पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में निम्न में से किसने भाला फेंकने की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो नॉर्थ वेल्स स्विट्जरलैंड में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में रिंकू हड्डा ने भाला फेंकने की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को अचल संपत्ति के अधिग्रहण शोषण विधायक 2017 के द्वारा केंद्र सरकार के अचल संपत्ति के अधिकार के समय मुआवजे की रकम विनिमय संशोधन का प्रावधान दिया गया। यह विधेयक अधिनियम में एक संशोधन है जो प्रभाव में आया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2017 को लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधन में स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। तो 18 जुलाई 2017 को लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधन में स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण? तो मानव हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपांतरित करने में काम में आता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, जो कि प्रकाश को सीधे रूपांतरित करने में काम में आता है। नेक्स्ट। इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे वर्ड से क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे
डब्ल्यू से तात्पर्य वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 पत्तों का साइज है, तो IPv6 पत्तों का साइज है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासन काल में भारत के प्रशासन द्वारा अधिकतम युवाओं को रोजगार दिया गया? तो दोस्तों, अकबर के शासन काल में प्रशासन द्वारा अधिकतर युवाओं को रोजगार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा शुरू की गई मन सदा बदारी प्रथा ली गई थी, तो अकबर द्वारा शुरू की गई मन सदा बदारी प्रथा ली गई थी मंगोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दिल्ली के 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी कहा जाता है? तो दोस्तों, अमीर खुसरो को 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं, भारत के राष्ट्रीय पति ने अयोध्या विवाद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा था? तो भारत के राष्ट्रीय पति ने अयोध्या विवाद को 143 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है, तो गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है जीवन और निजी स्वाधीनता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में मुद्रा स्फीति के संबंध में घटता मुद्रा संचरण मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाता है, तो श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाता है आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। अगला क्वेश्चन, एक देश को ऋण के जाल में फंसा कहा जाता है, तो एक देश को ऋण के जाल में फंसा कहा जाता है वह बकाया ऋण का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो जीएसटी के संदर्भ में मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी से छूट प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गया पात्र आयात और निर्यात के कुल मूल्य का अंतर में वर्तमान लेखा घाटे का मुख्य कारण है, तो वर्तमान के गया पात्र आयात और निर्यात के कुल मूल्य का अंतर में वर्तमान लेखा घाटे का कारण है खाद्य अनाजों के आयात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए रेखा चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? 17।